दोस्तों, मेरे चैनल स्टडी किंग को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको सारी की सारी नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम मिलती रहे। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल स्टडी किंग पे। आज जो मैं वीडियो लेके आया हूँ उसके अंदर मैं डिस्कस कर रहा हूँ IBPS स्पेशलिस्ट ऑफिसर 17/3/2013 के अंदर जो क्वेश्चन पूछे गए थे। इससे पहले भी मैं इसी के ऊपर एक वीडियो अपलोड कर चुका हूँ जिसमें मैंने 1 से 5 क्वेश्चन लिए थे। आज मैं यहाँ पे 6 से 10 क्वेश्चन लूंगा। मेरी कोशिश रहेगी जितने भी कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व हैं वो सारे के सारे मैं यहाँ पे आपको बताऊं। तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर आर्टिकल दा आ गया, ये नाउन के लिए आया होगा तो इसका नाउन हो गया हमारा आर्ग्यूमेंट। द आर्ग्यूमेंट यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट हो गया क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस का स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है तो हमारा वर्ब भी सिंगुलर आ गया तो यहाँ पे हमें कोई दिक्कत नजर नहीं आ रही। दैट जो है रिलेटिव प्रोनाउन का काम कर सकता है। दैट जो है आपका कंजंक्शन का काम कर सकता है और जब ये कंजंक्शन का काम करता है तो ये सब ऑर्डिनेट कंजंक्शन का काम करता है। ये एक और काम कर सकता है, ये प्रोनाउन की तरह काम भी कर सकता है यानी ये खुद सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की तरह काम कर सकता है। एक और काम कर सकता है ये डिटरमिनर का यानी कि ये किसी नाउन से पहले आकर उसको क्वालिफाई करने का काम भी कर सकता है। रिलेटिव प्रोनाउन के तौर पे जब ये काम करेगा तो ये रिलेटेड इंफॉर्मेशन देने का काम करेगा किसी नाउन या प्रोनाउन के बारे में। जब ये कंजंक्शन का काम करेगा तो ये कनेक्ट करने का काम करेगा। तो यहां पर ये जो दैट आया है ये कनेक्ट करने का काम कर रहा है। जब ये कनेक्ट करने का काम करेगा तो ये सब ऑर्डिनेट क्लोज का निर्माण करेगा अपने बाद। तो यहां पर अर्ली एडजेक्टिव का काम करेगा और डिटेक्शन नाउन का काम करेगा तो ये सब्जेक्ट बन गया, ये प्रीपोजिशन आ गया और ये बन गया इसका ऑब्जेक्ट। ये जो वर्ब का पार्ट आया ये आया डिटेक्शन के लिए, ठीक है। ये हमेशा वी1 लेता है क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब मुडाल है, जितने भी कैन कुड मे माइट शुड सेल सारे के सारे वी1 लेते हैं अपने बाद, बेस फॉर्म लेते हैं। लीड टू यहाँ पे प्रीपोजिशन है, एन आर्टिकल है तो इसे नाउन चाहिए, ये ड्रॉप के लिए आया होगा। इमीडिएट एडजेक्टिव के तौर पे काम कर रहा है जो ड्रॉप के बारे में ऐड करके जानकारी दे रहा है। इन प्रीपोजिशन हो गया जिसका ऑब्जेक्ट आ जाएगा द मोर्टिलिटी रेटिंग। अब मुद्दा ये है कि ये आर्टिकल द भी रेटिंग के लिए आया होगा और मोर्टिलिटी भी जो है रेटिंग के लिए आया होगा, लेकिन ध्यान से देखिए जो रेटिंग है यहाँ पे गलत है। यहाँ पर हमें जो नाउन चाहिए इस सेंटेंस में मीनिंग के हिसाब से वो चाहिए रेट। कारण क्या है कि एक है रेट और रेट का मतलब होता है दर, एक है हमारे पास रेटिंग जो गिवन था और रेटिंग का मतलब होता है श्रेणी, ठीक है। तो ध्यान से देखिए यहाँ पर हमें मोर्टिलिटी रेट चाहिए यानी दर, ठीक है। ये यहाँ पे फ्रॉम प्रीपोजिशन हो जाएगा और ये पूरा पार्ट इसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो हम देख सकते हैं कि हमारा जो एरर है वो किस में होगा, फोर्थ पार्ट में होगा। आई होप पूरा का पूरा स्ट्रक्चर आपको समझ हो गया होगा। ये बात हमेशा याद रखिए, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, एक एक वर्ड को ब्रेक कीजिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर जब इस क्वेश्चन को ध्यान से आप देखेंगे तो आप पाएंगे ये यहां से लेके नंबर्स तक पूरा का पूरा सब्जेक्ट का काम कर रहा है। यहाँ पे जो मेन नाउन है वो है नंबर्स और ये बाकी का जो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है यहां से लेके यहां तक ये पूरा का पूरा इसको क्वालिफाई करने का काम कर रहा है, इसके बारे में ऐड करके जानकारी देने का काम कर रहा है। ये जो विच है ये हमारा रिलेटिव प्रोनाउन हो गया जिसके बाद रिलेटेड इंफॉर्मेशन किससे रिलेटेड, नंबर्स से रिलेटेड इंफॉर्मेशन स्टार्ट हो गई और ये इंफॉर्मेशन हम देख सकते हैं कहाँ तक गई, ये इंफॉर्मेशन हमारी गई हैव टू वाज तक, ठीक है। जब हम इसके अंदर जाते हैं तो हम देखते हैं कि विच कंजंक्शन हो गया हमारा, द मेंडेरिन्स जो है हमारा सब्जेक्ट हो गया इसके अंदर का और प्रीपोजिशन हो गया, एन इकोनॉमी पूरा इसका ऑब्जेक्ट हो गया। ये जो हैव आया इधर, ठीक है, ये किसके लिए आया हमारा मेंडेरिन्स के, ठीक है। तो ये आया है हमारा इसके हिसाब से
आगे हम देख रहे हैं टू इन्फिनेटिव आया, टू इन्फिनेटिव सब्जेक्ट का और ऑब्जेक्ट का काम कर सकता है, तो यहाँ पे हैव के ऑब्जेक्ट के तौर पे काम कर रहा। अब ये जो आर है ये कहीं ना कहीं आया है नंबर्स करके, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक तो रिलेटेड इन्फॉर्मेशन थी, ये रिलेटिव क्लोज है पूरा का पूरा। ये रिलेटिव क्लोज जो है आपके सबऑर्डिनेट क्लोज ही होते हैं। ये जो आर आया ये आ गया हमारा नंबर्स के लिए। अब आर जो है यहाँ पे लिंकिंग वर्ब है क्योंकि आगे कोई भी मेन वर्ब अवेलेबल नहीं है, ठीक है। अब इसके बाद ये वाला जो पार्ट आ गया ये आ गया इसका कॉम्प्लीमेंट पार्ट, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट के अंदर नाउन या प्रोनाउन आ सकते हैं, तो ये नाउन हो गया। एंड ऐसा कंजंक्शन जो सेम रैंक ऑफ स्ट्रक्चर को कनेक्ट करता है, तो नाउन को नाउन से कनेक्ट किया जा रहा है। तो एक्चुअली क्लास इस क्वेश्चन के अंदर किसी तरह का कोई एरर है ही नहीं, इट इज ए नो एरर क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विटनेस ये कहीं ना कहीं V3 या फिर V2 हो सकता है। द यंग सोल्जर्स एबिलिटी, ठीक है, यहाँ पे जो नाउन है वो ये है, बाकी सारा का सारा स्ट्रक्चर जो है इसके बारे में ऐड करके जानकारी दे रहा है। टू रिपीटेडली हिट, ठीक है। अब एक्चुअली इसमें टू और हिट तो टू इन्फिनेटिव का काम कर रहे हैं, टू प्लस V1 का, और आगे जो आया है बुल्स आए वो उसका ऑब्जेक्ट के तौर पे काम कर रहा है ये वाला, ठीक है। और रिपीटेडली जो है ये एडवर्ब का काम कर रहा है जो हिट के बारे में ऐड करके जानकारी दे रहा है। एट आर्म्स ट्रेनिंग, ठीक है, ध्यान रखिएगा आर्म का मतलब हाथ होता है, तो आर्म्स का मतलब दो हाथ हो गए, नॉर्मली दो होते हैं तो, और दो से ज्यादा अगर किसी जीव के होते तो कई हाथ हो गए, ठीक है, ये इसका प्लूरल फॉर्म हो गया। लेकिन आर्म्स का मतलब जो होता है एक हथियार भी होता है, यानी कि यहाँ पर ये प्लूरल फॉर्म है इसका, लेकिन आर्म्स का मतलब जो है हथियार भी होता है, ठीक है। ये मेरे नाउन के नोट्स में आपको मिल जाएंगे, अगर आपको नाउन के नोट्स चाहिए तो इस वीडियो के एंड में एक नंबर होगा, वहाँ पर आप उसको नोट करें और व्हाट्सअप करेंगे तो आपको नाउन के नोट्स मेरे अवेलेबल हो जाएंगे। कोमा इंस्ट्रक्टर्स, अब ये जो स्ट्रक्चर है हमें समझना होगा। एक्चुअली एक स्ट्रक्चर होता है, देखिए जैसे मैंने कहा हैविंग डन द वर्क कोमा शी वेंट होम, ठीक हैविंग टेकन फूड She took rest. Actually, ये जो स्ट्रक्चर होता है having done the work, यहां पे जैसे कोमा आ गया तो ये वाली चीज हमें देखनी होती है कि ये वाला इसका सब्जेक्ट है कि नहीं, और अगर ये वाला इसका सब्जेक्ट है तो हमें यहां पर किसी तरह कोई सब्जेक्ट देने की जरूरत नहीं आगे वाले पार्ट में। लेकिन अगर ये इसका सब्जेक्ट नहीं बन पा रहा तो हमें यहां पे पूरा का पूरा ऐसे सब्जेक्ट देना पड़ता है। तो एक्चुअली ये स्ट्रक्चर यहां पे ऐसे बनेगा हैविंग, क्योंकि देखिए V3 और V2, V2 का इस्तेमाल तो यहां पे बन ही नहीं रहा, और V3 जो है ये दो काम कर पाता है, या तो ये एडजेक्टिव की तरह काम करे या फिर ये जो है मेन वर्ब की तरह काम करे। एडजेक्टिव की तरह जब काम करेगा तो इसे कोई नाउन तो चाहिए ना, तो यहाँ पर कोई नाउन नजर नहीं आ रहा, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो स्ट्रक्चर है वो सेटिस्फाइड करवा ही नहीं रहा। जब हम इसे ऐसे कर देंगे हैविंग डन द वर्क, इसका मतलब ये जो है कंप्लीट एक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि ये वाला वर्क कंप्लीट हुआ तो उसके बाद ये हुआ, ये वाला वर्क कंप्लीट हुआ तो उसके बाद ये हुआ। तो उसी हिसाब से यहाँ पर अगर ध्यान से देखें तो ये जो इंस्ट्रक्टर्स है ये इस पूरे के पूरे पार्ट का जो आगे दे रखा है यहां से लेके यहां तक का इसका सब्जेक्ट है। किसने विटनेस किया? इंस्ट्रक्टर्स ने, ठीक है। और फिर ये जो V2 आ गया किसके लिए आया? इंस्ट्रक्टर्स के लिए आ गया, हिम ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। दे पुश्ड हिम टू पार्टिसिपेट, ये टू इन्फिनेटिव हो गया हमारा, टू प्लस V1। और ये वाला जो है ये प्रीपोजिशन हो गया इन द आर्मी, ठीक है,
मार्क में, ये पूरा का पूरा इसका ऑब्जेक्ट हो गया इनका। तो हम देख सकते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर हमें हैविंग लगाने की जरूरत थी, तो ये फर्स्ट आंसर है। ये वाली चीजें मैं नॉर्मली नॉन फाइनाइट वर्ब में करवाता हूँ जब मैं पार्टिसिपल के एप्लीकेशंस बताता हूँ। तो ये वाला जो है हमारा, ये परफेक्ट पार्टिसिपल की एप्लीकेशन है, ठीक है। तो अगर आपको इसके ऊपर मेरे नोट्स चाहिए तो वो भी आपको अवेलेबल हो सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, इट हमारा सब्जेक्ट हो गया, इज लिंकिंग वर्ब है, ऑल वेल नोन इसका कॉम्प्लीमेंट पार्ट हो जाएगा, दैट रिलेटिव प्रोनाउन है, वुमन सब्जेक्ट हो गया, आर जो है यहाँ पे लिंकिंग वर्ब भी नजर आ रहा क्योंकि आगे कोई मेन वर्ब नजर नहीं आ रहा। जनरली इन फेवर ऑफ लाइट टॉपिक्स लाइक जोक्स एंड एक्सप्रेशन, ये पूरा का पूरा कॉम्प्लीमेंट पार्ट है। आगे दैट लगाया गया जो रिलेटिव प्रोनाउन है। यहां पे हम देख सकते हैं कि वी वन प्लस आईएनजी का इस्तेमाल किया गया, लेकिन पूरे के पूरे सेंटेंस को ध्यान से ऑब्जर्व कीजिए, ये एक परमानेंट नेचर के एक्शन को दिखाता है। ये मैं डायग्राम से बता रहा हूं आपको, परमानेंट नेचर का एक्शन ऐसा होता है जो पास्ट में भी इफेक्टिव होता है, नाउ यानी कि प्रेजेंट में भी इफेक्टिव होता है, पास्ट में भी इफेक्टिव होता है, और कहीं ना कहीं फ्यूचर में भी इफेक्टिव होता है। अगर आपको इसके बारे में और पता करना तो आप मेरी टेंस की वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। आप जब प्लेलिस्ट में जाएंगे तो प्लेलिस्ट में आपको टेंस की वीडियो अवेलेबल हो जाएगी, तो आप जो मेरे चैनल को ओपन करेंगे तो ऊपर कहीं पे प्लेलिस्ट का ऑप्शन होगा, वहां पर जाएं और वहां से आप टेंस की वीडियो देखें, सेकंड वीडियो में ही आपका ये फंडा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर हम इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम इसको इस्तेमाल करें क्योंकि वी वन ही परमानेंट नेचर को रिप्रेजेंट कर पाती है, ठीक है। तो यहां पर कोस और ये इसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ऑल अराउंड जो है हमारा एडवर्ब हो जाएगा इस केस में, ठीक है। तो यहां पर एरर होगा हमारा फोर्थ पार्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। द इवनिंग ब्रीज कहीं ना कहीं सब्जेक्ट का काम करेगी, वॉन्ट कैरिंग। देखिए कोई भी मुडाल हुआ, चाहे वो नेगेटिव में इस्तेमाल करे या पॉजिटिव में करे, वो अपने बाद हमेशा बेस फॉर्म लेगा। ये आज की वीडियो में मैंने बोला था, ये हमेशा ध्यान रखिए, वॉन्ट कैरी। अब द पोएट्री इसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा, याद रखिए पोएट्री को पोएट्रीज भी नहीं लिख पाते हैं। ये मैंने नाउन के नोट्स में सब कुछ एक्सप्लेन किया है, तो आपको नाउन के नोट्स चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। ओ प्रिपोशन हो गया, ओ पीस, ठीक है, बियॉन्ड फिर प्रिपोशन हो गया, तो द स्कूल बिल्डिंग, यहाँ पे ये पूरा का पूरा इसका ऑब्जेक्ट के तौर पर काम कर रहा है। तो हम कह सकते हैं कि एरर इसमें सेकेंड पार्ट में है। तो दोस्तों इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड कर रहा हूँ। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, अगर आप मुझसे कनेक्ट होना चाहते हैं तो आप मुझे इस पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, जहाँ पर आपको डेली न्यूज़पेपर, माय हैंड रिटन नोट्स, ये सारे के सारे आपको अवेलेबल हो जाएंगे। आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, इसे अपने दोस्तों के बीच शेयर करें, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया दोस्तों।